अच्छा, तो हम लोग पिछली वीडियो में यही पढ़ रहे थे कि मिल्स का जो फर्स्ट मेथड है ऑफ अग्रीमेंट वो क्या है। उसमें हमने कहा था कि अगर दो से ज्यादा इंस्टेंसेस होते हैं और जिनमें कोई बात कॉमन होती है, तो वो जो कॉमन बात होती है वो ही उनका कॉज होती है, ठीक है। या मेथड ऑफ अग्रीमेंट में मिल्स के अकॉर्डिंग वही बात या वही इंसिडेंट या वही जो एलिमेंट है या वो फैक्टर जो है वो इन दोनों इंसिडेंट का कॉज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि रिसर्चर का हम एग्जाम्पल कर रहे थे कि एक रिसर्चर जो देख रहा है कि जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें जो बच्चे पास करते हैं या अच्छे मार्क्स देते हैं, तो उसके पीछे क्या कॉजेज हैं, क्यों वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब डेटा उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि देयर मेनी सर्कमस्टांसेस, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें बच्चे बच्चे अच्छा वो करते हैं, जिसमें से एक क्या है, इंस्ट्रक्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर अप्रोच टू टीच द सब्जेक्ट, कोई खास उस सब्जेक्ट की एक खास तरीके से कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो जो एक खास तरीका है जो उसने अपनाया है क्लास, फॉर एग्जाम्पल उसने क्लास को किसी किसी उसमें प्रेजेंटेशन दे दी है या उनको किसी असाइनमेंट में एंगेज किया है या ग्रुप वर्क कुछ करवाया है, तो वो जो खास जो तरीका है सब्जेक्ट पढ़ाने का या असाइनिंग पर्टिकुलर टेस्ट, वो क्या है, वो उनमें कॉमन है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो कॉमन रीजन है यही यही इनका कॉज है, ठीक है। हाउएवर द रिसर्चर डिस्कवर्स दैट इन ऑल इंस्टेंसेस स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, दे आर हाईली मोटिवेटेड। और साथ में उसको ये भी पता चला कि जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो तमाम के तमाम बच्चे क्या थे, उनमें एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी, दे वर हाईली मोटिवेटेड थे, वो बहुत मोटिवेटेड थे, वो बहुत दिल से काम करते थे या हार्ड वर्क करते थे। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि दैट इज वन दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ दिस। अब मिल्स का मेथड क्या है, हाई स्टूडेंट्स मोटिवेशन इज ओनली अ कंडीशन दैट इज कॉमन टू ऑल स्टूडेंट्स लाइक सक्सेस इन मैथमेटिकल लॉजिक। अब उन्होंने क्या कहा कि जो तमाम बच्चे थे उन सब में ये चीज कॉमन थी कि वो मोटिवेटेड थे, और कुछ में ये चीज कॉमन थी कि उनके टीचर को एक खास तरीके से पढ़ाया था। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ अग्रीमेंट द रिसर्च कंक्लूड्स दैट द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टूडेंट सक्सेस इन मैथमेटिकल लॉजिक इज हाई मोटिवेशन। तो जो नेसेसरी कंडीशन है, अब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने मीनिंग्स ऑफ कॉज को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके मैंने डिफरेंट कॉजेस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। देखिए, उन्होंने लिखा हुआ है कि जितने भी इंस्टेंसेस है जिनके अंदर पी मौजूद है, तमाम एग्जाम्पल्स जिनके अंदर पी मौजूद है वो क्या है, वो वाले बच्चे जो है वो कामयाब हुए हैं, वो तमाम वाक्या जिनमें बच्चों बच्चों में मोटिवेशन हाई थी तो वो ही बच्चे पास कर सके थे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज वन कॉज ऑफ देयर सक्सेसफुल सक्सेस इन देयर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल्स देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, डिस्क्राइब बाय मिलर एज़ फॉलोज, इफ एन इंस्टेंस कोई खास वाकया है या एक खास मौका है, इन विच द फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अकर्स एंड एन इंस्टेंस इन विच इट डज नॉट अकर। दो इंस्टेंसेस हैं, एक ऐसा वाक्य जिसमें वो काम हो जाता है जिसको हम परखना चाह रहे हैं देखना चाह रहे हैं, और एक दूसरा एग्जाम्पल है या एक दूसरा वाक्य है जिसमें वो काम नहीं होता। तो हैव एवरी सर्कमस्टांस इन कॉमन, तो उन दोनों वाक्यात में बाकी तमाम चीजें कॉमन है एक्सेप्ट फॉर वन, सेव फॉर वन, सिवाय एक चीज के बाकी इन दोनों वाक्यात में तमाम चीजें कॉमन है, लेकिन एक में जिस चीज को हम रिसर्च करें एक में वो चीज हो रही है एक वाक्य में और दूसरे में वो चीज नहीं हो रही, बाकी सब कुछ दोनों में सेम है, सिर्फ एक चीज अनकॉमन है या डिफरेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि दैट डिफरेंस, जो इन दोनों में डिफरेंस है, जो एक में है और एक में नहीं है, वही क्या है, वही रीजन है इस वाक्य का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, दोनों एक जितना जो है वो लगाते हैं टाइम लगाते हैं, लेकिन एक पास हो जाता है और एक फेल हो जाता है, बाकी सब कुछ कॉमन है दोनों बच्चों में, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या था, उनमें डिफरेंस ये था कि एक बच्चा बहुत मोटिवेटेड था और दूसरा बच्चा इतना मोटिवेटेड नहीं था। तो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली गिविंग यू द कॉज ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट क्या है उसका, इफेक्ट ये है कि एक बच्चा पास हो गया एक बच्चा फेल हो गया, तो जो पास होने वाला बच्चा उसकी वजह क्या है, तो वो मोटिवेटेड था, और जो फेल होने वाला बच्चा उसकी वजह क्या है, कि वो मोटिवेटेड नहीं था। सो दिस डिफरेंस In the two instances is what is the cause of this particular happening, और happening क्या है, pass होना, ठीक है।
ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, दो ये है, एक हुआ है फैक्टर्स क्या थे कि ए भी था, सी भी उसमें था, ई भी था, एफ भी था, एच भी था, लेकिन बीमार वो बंदा बीमारी नहीं हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, ए भी था, डी भी था, ई भी था, जी भी था, आई भी था, तो भी बीमारी नहीं। अगर आप देखें तो दोनों में ए भी सेम है, ठीक है, इनमें सिर्फ ए सेम है, बाकी इनमें सारा कुछ, ई भी सेम है, ठीक है, एच एच डिफरेंस। अच्छा आप अगले वाले में देखिए, बी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है और एच भी है, तब भी इलनेस नहीं, ठीक है। इन तीनों सर्कमस्टांसेस में, इन तीनों दफों में ये तमाम चीजें मौजूद थी लेकिन बीमारी नहीं हुई। और अब जो लास्ट वाला है आप देखिए, उसमें क्या है, बी भी हुआ है, सी भी है, ई भी है, जे भी है और जी भी है। ये बी सी ई जे जी ये डिफरेंट कंडीशन है जो कि मौजूद है, और क्या हो गया, वो बीमार हो। तो अगर आप देखें ऊपर भी बी था बहुत सारी जगहों पर लेकिन बीमारी नहीं हुई, बी इज नॉट द कॉज। देखिए सी यहाँ पे है, ऊपर भी सी मौजूद है, देखिए यहाँ ए में, लेकिन फिर भी बीमारी नहीं। फिर ई आता है, ई देखिए सब में मौजूद है, तो ई से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नो इलनेस वाले में भी मौजूद है ई, और इलनेस वाले में भी मौजूद है ये फैक्टर। फिर आप अगर आप एफ को देखें तो पहले वाले में भी है एफ और थर्ड वाले में भी एफ है, तो दोनों में थर्ड दोनों में है एफ और दोनों से बीमारी नहीं वाक्य हुई। लेकिन अगर आप जे को देखें तो जे एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसा रीजन है जो कि बाकी किसी में नहीं था और सिर्फ इसमें था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एक जे है ये ही इन चारों इंस्टेंसेस में, इसमें 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 और इसमें, फिर ये एक एक फैक्टर है जो डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर जे इज द कॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड डिफरेंस दोनों को इकट्ठा ले लिया है। अब इसमें क्या है, वी ट्राई टू फिल द गैप्स इन बोथ मेथड्स, इन मिल्स सजेस्टेड अ थर्ड अप्रोच कॉल्ड द जॉइंट मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड डिफरेंस। जो पहले वाले जो मेथड था अग्रीमेंट का, उसमें जो कमियां थी, और जो सेकंड वाला मेथड था मेथड ऑफ डिफरेंस, उसमें जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए जॉन ये स्टुअर्ट मिल ने क्या किया कि एक तीसरी अप्रोच बताई जिसको मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड डिफरेंस कहते हैं। हियर वी जज किसको हम कहते हैं कि कॉज इज दैट एलिमेंट, वो एलिमेंट कॉज होगा विच ऑल प्रीसीडिंग इवेंट्स हैव इन कॉमन। सही है, तमाम के तमाम वाक्यात में जो चीज कॉमन है वो तो कॉज हो गई, वो क्योंकि एग्रीमेंट से पता चला है, ठीक है। एंड आफ्टर फैक्टरिंग आउट एनी कॉमन एलिमेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट इन द सबसीक्वेंट इवेंट, और ऐसे तमाम चीजों को निकालने के बाद जो कि डिफरेंस डिफरेंस लेकर आते हैं बाकी तमाम में, जिसने हम लोगों ने सेकेंड वाला पढ़ा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस वाला है उसको हम लोगों ने रूल आउट कर देना है, और फिर उसके बाद हमने देखना है कि सब में क्या अग्री कर रहा है, जो उन सब में अग्री कर रहा है और उन सब में वो एक वाक्य पेश आ रहा है, तो हम कहेंगे इस वाक्य के पीछे जो अग्रीमेंट वाला कॉज है, जो सब में एक जैसा है और जो किसी में भी मुख्तलिफ नहीं है, वो जो है क्या है, वो आपका कॉज है। वी आर लेफ्ट विद द वन कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ओनली इन पॉजिटिव इंस्टेंसेस एंड दैट इज टेकन एज द कॉज, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाले जो है या जो डिफरेंस वाले हैं वो हमने इनको निकाल दिया है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स को बिल्कुल सिरे से इसमें कंक्लूड ही नहीं इंक्लूड ही नहीं किया कि जिस जिसमें कोई एक ऐसी चीज है, दो ऐसी चीजें थी जो कि बाकी से डिफरेंट थी, ठीक है, हम लोगों ने इसको निकाल दिया। देखिए फॉर एग्जांपल एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए प्रायर फैक्टर्स क्या थे, सॉरी हाँ देखिए फैक्टर्स क्या थे आपके पास, ए सी ई एफ एच, इलनेस अकर हुई है, ठीक है, फिर ए डी ई जी एच, इससे भी इलनेस अकर हुई है, ठीक है, फिर बी डी ई एफ एच, इसमें भी इलनेस अकर हुई है। अब क्या है, इन तीनों में देखिए क्या सेम है, इन तीनों में एच तीनों में सेम है, ठीक है, एफ दो में है, ई तीनों में मौजूद है, जी एक में है, बाकियों में नहीं है, ठीक है, फिर ए जो है वो दो में है, तीसरे में नहीं है, इसी तरह डी जो है वो आई थिंक बी जो है वो सिर्फ अकेला है, और डी बी सिर्फ अकेला रह जाता है, और आई थिंक सी सिर्फ अकेला रह जाता है, तो इस तरह से आई थिंक एफ रह जाता है, एफ भी दो दो है और जी रह जाता है। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाकी सारा कुछ कॉमन है, ठीक है, इलनेस अकर करने में। अब इनको देखिए आप, तो जहाँ इलनेस नहीं अकर हुई, आप फोर्थ इंस्टेंस को देखें, बी सी ई जी आई, ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें ए डी ई जी वन, इससे भी इलनेस अकर नहीं हुई, और ए डी ई एफ वन,
इसमें भी इलनेस अकर नहीं हुई। देयर फॉर जो एच है, ठीक है, सारे डिफरेंसेस वाले को हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, ये देखिए जितने भी है, बी भी है, ये भी हम लोगों ने निकाल दिया, देखिए क्योंकि इन तीनों में था, तीनों में था, ठीक है, तो हम लोगों ने बी को निकाल दिया, इन दोनों में भी था डी में, नो इलनेस वाले में, तो हमने डी को भी निकाल दिया, ई इसमें भी है, तीनों में ऊपर में भी है, ठीक है, इसको भी निकाल दिया, डबल जी इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है, उसको भी निकाल दिया, आई इसमें है, ठीक है, सिर्फ इसमें आई है, और क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है और किसी में नहीं है, तो आई को भी हम लोगों ने निकाल दिया, वन इन दोनों में और बाकी किसी में नहीं, इसको भी हमने निकाल दिया, सारे हम लोगों ने रूल आउट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ एच है हमारे पास, एक ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन है बीमारी की, तो हम क्या कहते हैं, और वही ऐसी चीज है जो इन तीनों में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो जो चीज इन तीनों में है और इन तीनों में नहीं है, तो वो क्या है, दैट इज एच एंड दैट इज द कॉज ऑफ इलनेस। तो इसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ एग्रीमेंट भी अप्लाई कर दिया, मेथड ऑफ डिफरेंस भी अप्लाई कर दिया, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये आप उसको से पढ़ लें, अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो उसका स्क्रीन शॉट ले लें, मैंने आपको समझा दिया, अच्छा चलो मैं आप समझा दूंगी, बोथ ई एन एच आर प्रेजेंट इन केसेस वेयर इलनेस हैज अकर्ड, ये दोनों चीजें हैं, ई भी है और एच भी है, तीनों के तीनों में, ठीक है, बट बाय एक्सटेंडिंग द नंबर ऑफ केसेस फर्दर, जब आप आगे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ई एक ऐसा है that drops out as a possible cause because E is present even when there is no illness. देखिए illness नहीं भी है ना तब भी E present है, लेकिन सिर्फ एक और एक, देखिए यहाँ पे E भी तीनों में common है, H भी तीनों में common है, लेकिन फिर क्या किया हम लोगों ने, देखा कि क्या E जो है या H जो है वो नहीं होना चाहिए ना, अगर वो illness हो, होते वक्त वो मौजूद है E और H, तो फिर illness जब नहीं होती है तो तब उनको नहीं मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि illness ना भी हो तब भी तीनों में H मौजूद है, उसका मतलब है कि E is not the cause, but actually H is the cause, because H is only present when there is illness and it is not present when there is no illness. That is why we come to the conclusion that H is the real cause of illness. ठीक हो गया? अच्छा, फिर method of residue क्या है? Method of residue, residue का मतलब होता है जो बाकी पीछे रह जाते हैं, बाकियात या जो extra चीजें रह जाती है, सब कुछ rule out करने के बाद, तो इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, एक एक करके हम एलिमिनेट करते जाते हैं, जो एक फैक्टर फिर आखिर में रह जाता है, फिर हम क्या कहते हैं कि वो हमारा कॉज है ऑफ दैट पर्टिकुलर हैपनिंग या अकरेंस, ठीक है, अब क्या है वो, अगर आप इसको देखें तो सेकंड मुझे दें, ठीक है, अच्छा क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज्ड व्हेन वी रिमूव फ्रॉम द फिनोमेनन द कॉजल फीचर्स दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है, वो तमाम फैक्टर्स किसी भी वाक्य के होने के लिए जो हमें पता है कि ये जरूरी है वो हम निकालते रहते हैं, एंड व्हाट रिमेन्स, और जो आखिर में रह जाता है रेजिड्यू, इज प्रोबेबली द कॉजल, इज कॉजली कॉजली रिलेटेड, तो जो आखिर में रह जाता है सारा कुछ निकालने के बाद, सारा कुछ एलिमिनेट करने के बाद, जो चीजें हमें पता है उसके बाद जो रह जाते हैं, हम क्या कहते हैं कि दैट इज द सही है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ रेंज ऑफ फैक्टर्स आर बिलीव टू कॉज अ रेंज ऑफ फिनोमेना, तीन चार चीजें हैं जिसको हम बिलीव करते हैं कि इसकी वजह से ये तीन चार चीजें होंगी, मतलब ये तीन चार चीजें कॉज है इन तीन चार चीजों का या इवेंट्स का, एंड वी हैव मैच्ड ऑल फैक्टर्स, और बाकी तमाम फैक्टर्स हम लोगों ने मैच कर लिए हैं, लेकिन एक ऐसा रह गया है जो कि मैच नहीं हुआ with the phenomenon except one, then the remaining phenomenon can be attributed to the remaining factor. So, हम कह सकते हैं कि हाँ ये आखिरी वाला जो है इसका remaining factor है. Symbolically आप क्या कह रहे हैं कि for example A B C occurs together with X Y Z. जब भी A B C होता है तो साथ में X Y Z भी होता है. A भी कोई event है, B भी कोई event है, C भी कोई event है, instance है, और X Y Z भी तीन instances है. ठीक है? फिर हम कहते हैं कि B हमें पता है is the cause of Y. बी हमने निकाल दिया कि ये जो है वाई को कॉज करता है, ठीक है, ये वी न्यू दिस ऑलरेडी, तो ये हमने रूल आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. फिर हमें ये भी पता है कि बी इज नोन टू बी द कॉज ऑफ जेड, और किसी और तरीके से हमें ये भी पता है कि बी जो है वो जेड को कॉज करता है, तो पीछे कौन सा रह गया, ए रह गया और एक्स रह गया, तो हम देयर फॉर वी कंक्लूड दैट ए इज द कॉज ऑफ, ए इज द कॉज और इफेक्ट ऑफ एक्स, ठीक है, A, B, C, D is the cause of Y, X, so therefore X factor, A or X factor. I think it's बहुत आसान है. अच्छा, तो जो last approach है, method of concomitant
variations. So इसमें क्या होता है, the last approach, the method of concomitant variations is usually employed and a continuous flow of events is involved. Continuous flow of events का मतलब है एक के बाद दूसरा event हो रहा है और continue कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई break नहीं है, इस तरह से वो continue कर रहा है, उसका इस तरह से flow है कि एक दूसरे से हम जुदा नहीं कर पा रहे, and we cannot control for negative occurrences. और हम control नहीं कर सकते उसमें से कोई भी ऐसी occurrence निकालने को नहीं निकाल सकते जो कि इसका असल में कॉज या इफेक्ट नहीं है. दो तीन चीजें हो रही हैं साथ में, दो तीन चीजें और भी हो रही हैं, उन दो तीन चीजों में से जो है एक ऐसी चीज है जो कि इसकी वजह से नहीं हो रही लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हियर वी ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉजेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग अ कोरिलेशन. तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम कोरिलेशन को एस्टैब्लिश करें इन द वे वन सेट ऑफ इवेंट्स वेरीज इन रिलेशन टू अनदर. ठीक है, तो हम यहाँ पे कोरिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करता है इसको कोरिलेशन कहते हैं, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. दैट इज वी सी अ कोरिलेशन इन डिग्री एंड रेगुलरिटी. एक तो हम ये देखते हैं कि कितना ज्यादा या कितना कम एक चीज दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही है, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कितनी दफा, मतलब अगर 100 दफा एक काम ए हो रहा है तो क्या 100 ही दफा बी भी हो रहा है, क्या उतनी रेगुलरिटी से हो रहा है या फिर नहीं. अगर ए 100 टाइम्स होता है तो बी जो है वो सिर्फ 80 टाइम्स होता है. ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे. बिटवीन टू इवेंट्स सच दैट इफ वी इन्फर दैट द फर्स्ट मस्ट बी कॉजली रिलेटेड टू द सेकंड वन. ठीक है, इसका एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर है. देखिए यहाँ पे इन्होंने एक तरफ एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने हार्ट अटैक्स का बताया है, कितने हार्ट अटैक्स होते हैं, नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स 1, 2, 3, 4, 5 सही है, और वाई एक्सिस पे इन्होंने ब्लड प्रेशर का बताया. फिर उन्होंने कहा है कि दो सीरीज है, एक सीरीज में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और दूसरी सीरीज कुछ और इंसिडेंट्स को बता रही है. तो आपको क्या बता रही है, अगर आप पहली सीरीज को देखें जो डार्क पर्पल लाइन है, सॉरी ब्लू लाइन है, वो क्या बता रही है कि जब ब्लड प्रेशर 100 होता है तो एक केस हुआ था, जब ब्लड प्रेशर आपका 100 से थोड़ा ऊपर था तो सेकेंड केस हुआ है, दो केसेस में. जब आपका ब्लड प्रेशर 150 के बराबर था तो थर्ड केस हुआ है, जब फोर्थ के बराबर था तो सॉरी 180 के बराबर था तो फोर केसेस हुए हार्ट अटैक के. ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हार्ट अटैक्स के चांसेस भी बढ़ते हैं. ठीक है, और इसी तरह आपको दूसरा सीरीज आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है अप टू एन एक्सटेंट ऑफ तीन केसेस तक, तो जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था आपके हार्ट अटैक्स के केसेस ज्यादा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 100 एंड देखिए इसको आप यहाँ पे ट्रेस करें तो 150 से ज्यादा हो गया तो आपके हार्ट अटैक की केसेस में बहुत ज्यादा तेजी आई है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ रेगुलरिटी तो है इन दोनों में, लेकिन डिग्री जो है कहाँ ज्यादा हो जाती है, जब आपका ब्लड प्रेशर एक खास 150-120 डिग्री से बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है, सिवेरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका ज्यादा कोरिलेशन हो जाता है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव ऑब्जर्व्ड दैट द हाइट ऑफ द टाइड, जो हाइट होती है किसी भी टाइड की, टाइड क्या होता है आपकी समुद्र की लहर कहते हैं, that depends upon the phases of moon. जैसे जैसे moon के different phases आते हैं, पहले crescent में होता है, फिर वो 2 days का हो जाता है, फिर एक हफ्ते का हो जाता है, फिर 15 days का हो जाता है, half हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता रहता है. different जैसे जैसे आपका moon different phases से गुजरता है, साथ ही साथ जो आपके समंदर की लहरों की height होती है क्योंकि वो कितनी ऊंची होंगी वो साथ साथ change होती है, तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों correlated है. ठीक है, जब moon की phases different होते हैं तो साथ साथ आपकी इसकी टाइड का जो हाइट है वो भी चेंज होती है. व्हेन द मून इज फुल द टाइड इज द हाईएस्ट, जब आपका मून फुल होता है गोल पूरा का पूरा, ठीक है, तो टाइड उस टाइम सबसे ज्यादा हाई होती है. मतलब इसका कहा जाता है कि मतलब जो मून है उसके अंदर एक अट्रैक्शन होती है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो हाईएस्ट हो जाती है. हाफ अ मून इज फॉलोड बाय अ मीडियम टाइड, और जब हाफ होता है मून आपका तब आपकी टाइड की जो हाइट है वो मीडियम होती है, और जब लो टाइड होती है तो आपका क्या होता है, या क्वार्टर होता है आपका मून या फिर क्रीसेंट होता है, बहुत छोटा होता है. ठीक है, तो क्योंकि कंसिस्टेंसी है इस चीज में, कंसिस्टेंसी मतलब जब भी मून की हाइट मून जो है फेजेस उसके पूरे होते हैं या आधा होता है या कम होता है उससे, तो यही सब कुछ होता है, यही टाइड पहले सबसे हाई हो जाती है फिर कम हो जाती है फिर बहुत कम हो जाती है इसकी हाइट. तो ये जो कंसिस्टेंसी है इसके अंदर और जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, मतलब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि आज मून हाफ फुल है तो आज जो है टाइड्स बहुत ज्यादा होंगी तो समुद्र में जाना खतरनाक है, और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी क्रीसेंट है तो हम समुद्र में जा सकते हैं. सो वी कैन इन्फर, तो हम इन्फर कर सकते हैं एक कॉज और इफेक्ट कर लेंगे. कॉज क्या है, कॉज इज द फेजेस ऑफ मून,
ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या है, द हाइट ऑफ टाइड्स, द लार्जर द मून द हायर द टाइड, इस तरह से हम कॉज और इफेक्ट को वो कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. एक और एग्जांपल है और दैट वाज इट अबाउट मिल्स मेथड्स ऑफ कॉजल कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशंस. ठीक है,